C++ एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका नाम वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में शामिल है, क्योंकि इसके पास इनक्रेडिबल पोटेंशियल है। इसका यूज ऑपरेटिंग सिस्टम्स को बिल्ड करने में भी हो सकता है और वीडियो गेम्स और 3D मूवीज बनाने में भी। इसलिए अगर आपका इरादा एम्बेडेड सिस्टम इंजीनियर बनने का है या फिर गेम डेवलपर जैसा कुछ है, तो ये लैंग्वेज आपकी काफी हेल्प कर सकती है। अब हो सकता है कि आप इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में कुछ नहीं जानते हो या फिर बहुत कुछ जानते हो, लेकिन इस वीडियो को देखकर भी आपको C++ के बारे में काफी कुछ पता चल जाएगा, जो कि आपकी नॉलेज को एनहेंस तो करेगा ही, साथ ही आपको ये भी सजेस्ट करेगा कि आपके करियर के लिए ये लैंग्वेज कितनी सूटेबल है। इसलिए थोड़ा सा टाइम निकाल कर इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, ताकि C++ क्या है, इसके एप्लीकेशंस क्या है, क्या ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हार्ड है, इसे सीखने में कितना टाइम लग सकता है, इसे सीखने से क्या फायदे हो सकते हैं और इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जल्दी सीखने के बेस्ट टिप्स क्या है, ऐसी बहुत सारी जरूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि ये C++ है क्या। C++ एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो C लैंग्वेज का एक्सटेंडेड वर्जन है। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करती है। इसे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डेवलप किया गया था और इसे डिजाइन करने का पर्पस था प्रोग्रामिंग को आसान बनाना। और आज ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसे प्रोग्राम्स लिखने के लिए यूज होती है जो लिनक्स, मैक OS और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम्स के साथ कंपैटिबल हों। ये एक मिड लेवल लैंग्वेज है जिसमें हम सिस्टम्स प्रोग्रामिंग जैसे कर्नल्स और नेटवर्किंग भी कर सकते हैं और लार्ज स्केल यूज एप्लीकेशंस जैसे मीडिया प्लेयर्स और फोटोशॉप भी बिल्ड कर सकते हैं। C++ प्रोग्राम्स की एग्जीक्यूशन स्पीड काफी फास्ट होती है और इसमें रिच लाइब्रेरी सपोर्ट भी मिलता है। इस लैंग्वेज का यूज गेम्स डेवलपमेंट, सिस्टम्स इंजीनियरिंग, वेब ब्राउजर डेवलपमेंट, एम्बेडेड सिस्टम्स एक्सेट्रा में होता है। ये मोस्ट डिफिकल्ट लैंग्वेजेस में से एक है और ऐसा कह के हम आपको ये लैंग्वेज सीखने के लिए डिस्करेज बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपको तैयार कर रहे हैं ताकि आप इसके डिफिकल्टी लेवल्स को आसानी से हैंडल कर सकें। और इस लैंग्वेज के डिफिकल्ट होने का रीजन ये है कि C++ पैराडाइम्स की एक रेंज यूज करती है और इस लैंग्वेज को एफिशिएंटली यूज कर पाने के लिए आपको पहले डिफरेंट प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट से फेमिलियर होना होगा। और अगर आप पहले से सी लैंग्वेज जानते हैं तो आपके लिए इस लैंग्वेज को लर्न करना कंपैरेटिवली आसान होगा। हालांकि ये कोई यूनिवर्सल आंसर नहीं हो सकता कि C++ आपके लिए हार्ड ही रहेगी या नहीं, क्योंकि आपके पर्पस और बैकग्राउंड पर भी डिपेंड करेगा, है ना। अब सवाल ये आता है कि आपको ये लैंग्वेज सीखनी चाहिए या नहीं। तो देखिए, जावा और पाइथन जैसी लैंग्वेजेस के कंपैरिजन में तो C++ को टफ समझा जाता है। इस लैंग्वेज के सिंटेक्स ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसलिए प्रोग्रामिंग फील्ड में बिगिनर के तौर पर इस लैंग्वेज को लर्न करना चैलेंजिंग रह सकता है। इसलिए आप चाहे तो पहले कोई इजी लैंग्वेज सीख सकते हैं, और अगर आपको कोई प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस है तो 2 से 3 महीने में C++ के सिंटैक्स में मास्टर बना जा सकता है। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो इसमें आपको 1 साल लग सकता है, जिसमें अगर हफ्ते के 10 घंटे C++ लर्निंग को आप डिवोट करें तो कुछ ही महीनों में इस लैंग्वेज के फंडामेंटल्स पर अच्छी पकड़ बनाई जा सकती है। और अगर इसे फुल टाइम स्टडी किया जाए तो बहुत जल्दी ही बेसिक्स भी क्लियर किए जा सकते हैं। बाकी आपकी लर्निंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप राइट डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन जब आप C++ को सीखेंगे तो आपको कई सारे बेनिफिट्स होंगे, जैसे C++ के सिंटैक्स आपको कई दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी मिल जाएंगे, जैसे गो। C++ क्योंकि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर डेवलपमेंट में यूज होती है, इसलिए C++ में कोड करने का तरीका जानने के बाद आपको इसकी अच्छी नॉलेज हो जाएगी कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों साथ में कैसे काम करते हैं, जो टेक्नोलॉजी के फील्ड की एक इम्पोर्टेंट नॉलेज होगी। और अगर आप टेक्नोलॉजी में करियर बनाने में इंटरेस्टेड हैं तो C++ सीखने के बाद आपको अच्छी कंपनी में डेवलपर की जॉब आसानी से मिल सकती है, क्योंकि इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एप्लीकेशन से इतनी सारी है कि गेम डेवलपमेंट से लेकर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तक जाती है। क्योंकि इस लैंग्वेज का यूज लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स जैसे उबंटू में भी होता है, तो क्रोम और फायरफॉक्स जैसे ब्राउजर्स में भी, फोटोशॉप, ब्लेंडर और अनरियल इंजन जैसे ग्राफिक्स एंड गेम इंजन्स में भी ये यूज होती है, और MySQL, MongoDB, रेडिस जैसे डेटाबेस इंजन्स और क्लाउड और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में भी ये यूज की जाती है। इन सारी बातों से आपको ये तो समझ आ ही गया होगा कि C++ क्या है, ये हार्ड है या नहीं, कब यूजफुल है और किसे ये लैंग्वेज सीखनी चाहिए। तो फिर अब आगे ये जान लेना भी बेहतर रहेगा कि इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जल्दी सीखने के बेस्ट तरीके या टिप्स क्या होंगे। इसीलिए आइए अब इस बारे में जानते हैं। नंबर 1, टेक्स्ट एडिटर और कंपाइलर जैसे टूल्स तैयार कीजिए। C++ लर्निंग शुरू करने के लिए आपको एक टेक्स्ट एडिटर की जरूरत होगी, जो कि एक ऐसा टूल होता है जिसमें आप कोड के थ्रू प्रोग्राम्स लिखेंगे। टेक्स्ट एडिटर के कई सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, जैसे Notepad++, विजुअल स्टूडियो कोड और सबलाइम टेक्स्ट। इसके अलावा आपको अपने कंप्यूटर पर एक कंपाइलर की भी जरूरत होगी, जो आपके सोर्स कोड को रीड करेगा और उसे कंप्यूटर के समझने लायक फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा।
ऐसे कुछ कंपाइलर्स हैं GCC, विजुअल स्टूडियो C++ कंपाइलर और क्लैंग। नंबर टू, बेसिक्स पर कमांड बनाइए। आप C++ लर्निंग स्टार्ट करते टाइम ये मिस्टेक बिल्कुल भी ना करें जो ज्यादातर न्यू डेवलपर्स करते हैं, यानी बेसिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट पर ध्यान देने की बजाय जल्दी जल्दी लर्निंग कंप्लीट करने पर फोकस करना। इससे आपके हाथ कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि बेसिक्स के बिना आप ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे। इसलिए भले ही शुरुआत स्लो हो, धीरे हो, इट्स ओके। आप हर कॉन्सेप्ट को समझते जाइए और फिर आगे बढ़िए। इस जर्नी में आपको C++ सिंटेक्स और वेरिएबल्स को समझना होगा। सिंटेक्स ऐसे रूल्स और प्रोसीजर्स होते हैं जिन्हें एक लैंग्वेज यूज करके कोड इंटरप्रेट करती है। इसके बाद आप वेरिएबल्स को लर्न करेंगे और वेरिएबल्स प्रोग्रामिंग के ऐसे फीचर्स होते हैं जो डेटा को स्टोर करने की परमिशन देते हैं। इसके बाद आपको फ्लो कंट्रोल, लूप्स, फंक्शंस, ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस और वेक्टर्स की भी क्लियर अंडरस्टैंडिंग रखते हुए लर्निंग कंटिन्यू रखनी होगी। इस प्रोसेस में आपको जो मेन टॉपिक्स कवर करने होंगे उनमें से कुछ है हाउ टू क्रिएट अ C++ प्रोग्राम, हाउ टू डिक्लेयर अ वेरिएबल, हाउ टू एक्सेप्ट यूजर इनपुट इनटू अ वेरिएबल, बिल्ट इन वर्सेस यूजर डिफाइंड फंक्शंस, हाउ टू डिक्लेयर अ फंक्शन, हाउ टू क्रिएट अ क्लास, हाउ टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, एडिंग एंड रिमूविंग वेक्टर एलिमेंट्स, हाउ टू चेंज वैल्यूज इन अ वेक्टर एटसेट्रा। नंबर थ्री पर है बेस्ट ऑनलाइन रिसोर्सेज यूज करें। अब यहाँ पर आपके लिए अच्छी खबर ये है कि अब प्रोग्रामिंग सीखने के लिए ऑनलाइन रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, इसलिए आप बहुत आराम से अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए भी C++ लर्निंग कर सकते हैं। लेकिन आपको बेस्ट रिसोर्सेज ही चूज करने चाहिए ताकि आपकी लर्निंग आसान और इफेक्टिव हो। इसके लिए थोड़ा रिसर्च करें, उसके बाद बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट करके आगे बढ़े। ऐसे कुछ ऑनलाइन कोर्सेज के नाम आपको बताएं तो इनमें शामिल है कोड एकेडमी का लर्न C++, माइक्रोसॉफ्ट वाया EDX का इंट्रोडक्शन टू C++, गूगल का गूगल फॉर एजुकेशन C++ और यूडेमी का C++ ट्यूटोरियल फॉर कंप्लीट बिगिनर्स। इनके अलावा भी आपको बहुत से ग्रेट ऑप्शंस मिल जाएंगे। कोर्सेज की तरह ऑनलाइन बुक्स भी अगर सही चूज की जाए तो ये जर्नी काफी आसान हो सकती है। इसलिए कुछ ऐसी अच्छी किताबें जिनके जरिए आप C++ लैंग्वेज को आसानी से समझ सकते हैं, उनके नाम भी आपको सजेस्ट कर देते हैं। बजार ने स्ट्रॉस्ट्रप की द C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 4th एडिशन, स्टेनली बी लिपमैन, जोसेस लाजोई एंड बारबरा ईमू की C++ प्रीमियर 5th एडिशन, स्टीफन प्राता की C++ प्राइम प्लस 6th एडिशन और स्कॉट मेयर्स की इफेक्टिव C++ और इफेक्टिव मॉडर्न C++। नंबर फोर पर है प्रोजेक्ट बनाइए। बुक्स और क्लासेस की हेल्प लेकर आप C++ लर्निंग तो कंटिन्यू रखेंगे ही और इस दौरान इसके बेसिक्स की अच्छी नॉलेज भी कवर कर लेंगे। इसलिए इसके बाद आपको प्रोजेक्ट बनाना शुरू करना चाहिए और शुरुआत में कोई ऐसी प्रॉब्लम चूज करें जो कॉमन हो ताकि आप ट्यूटोरियल्स की हेल्प लेकर उसे सॉल्व भी कर सके, क्योंकि आपकी शुरुआती फेज है जिसमें आप प्रोजेक्ट बनाने के दौरान आने वाले चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स को पहली बार फेस करेंगे। इस टाइम अगर आप कोई टफ प्रॉब्लम पर बेस्ड प्रोजेक्ट प्लान करेंगे और सॉल्व करने में आपको ज्यादा डिफिकल्टी हुई तो आप डिस्करेज भी हो सकते हैं, और ऐसा होने से ही तो रोकना है क्योंकि लर्निंग कोई भी हो उसमें एनकरेज बने रहना बहुत जरूरी होता है। इसलिए सिंपल प्रोजेक्ट से शुरू करें और धीरे धीरे बिग प्रोजेक्ट्स की तरफ आगे बढ़े। नंबर फाइव पर है C++ ऑनलाइन कम्युनिटी को ज्वाइन करें। अगर आप कोडिंग जल्दी सीखना चाहते हैं तो उसके लिए अकेले में कोड करने की बजाय कम्युनिटी से जुड़कर काम करें। डेवलपर फोरम्स पर आपको बिगिनर्स और एक्सपर्ट्स दोनों मिल जाएंगे, इसलिए उनसे हेल्प लेना आपके लिए काफी आसान होगा और आपके जो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे उन्हें आप दूसरे बिगिनर्स को समझा कर उन कॉन्सेप्ट्स में मास्टर भी बन सकते हैं। ऐसी कुछ कम्युनिटीज जिन्हें आप ज्वाइन करके जल्दी C++ सीख सकते हैं वो है DEVDev, GitHub और Stack Overflow। नंबर सिक्स पर है प्रैक्टिस कीजिए। इन सारे टिप्स और स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपको सबसे इम्पोर्टेंट काम प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि तभी आपकी स्किल्स में सुधार होगा। और अक्सर ये लैंग्वेज बहुत टफ लगती है, इसका एक रीजन प्रैक्टिस नहीं करना भी होता है। इसीलिए क्विट करने की बजाय डेली प्रैक्टिस करें ताकि आप एक बेहतर प्रोग्रामर बन सके। और इस तरह C++ लर्निंग के इन सारी फेजेस को पार करते हुए आप ऐसी पोजीशन पर पहुंच सकते हैं जहां पर आपको कम टाइम में C++ के बेसिक्स पर मास्टरी हासिल हो जाए और आप अपनी लर्निंग को कंटिन्यू भी रखना चाहे, आपके पास एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क हो और सॉलिड करियर अपॉर्चुनिटीज भी। इसलिए मन लगाकर C++ के मैदान में उतरिए और इसे जंग समझने की बजाय खेल समझकर इसका भरपूर मजा लीजिए, और ये तभी पॉसिबल होगा जब आप रिलैक्स माइंड से शुरुआत करेंगे। सो ऑल द बेस्ट। तो इसी बात पर एक लाइक तो बनता ही है, साथ इस वीडियो ने आपकी मदद की हो थोड़ी बहुत भी तो प्लीज इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें शायद ये सवाल परेशान कर रहा है कि कौन सी लैंग्वेज सीखी जाए या नहीं, क्या प्रॉब्लम होगी क्या नहीं, तो इसीलिए बहुत जरूरी है। बाकी आपका प्यार हमें कॉमेंट बॉक्स में आप शेयर कर सकते हैं। कोई और सवाल है, किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो लिख भेजिए।
और बाकी जितने नए लोग आज हमसे जुड़े हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आपको भी ऐसी जानकारियां हमेशा चाहिए, कोई नई जानकारी आपको चाहिए तो प्लीज आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और इसी के साथ क्विक सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। रूबी मिलेगी अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए क्विक सपोर्ट के साथ। धन्यवाद।